हमीरपुर में पशुपालकों के लिए कोरोना बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कर्फ्यू के चलते पंजाब से चारा की गाड़ियों के नहीं आने के कारण डेयरी फार्म के अलावा जिला भर के पशुपालकों को अब चारे की समचिंता सताने लगी है, क्योंकि दिनों दिन हरा चारा भी खत्म होने के कगार पर है। हालांकि चारा उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक चारा उपलब्ध नहीं हो पाया है। कर्फ्यू लगा होने के कारण हमीरपुर जिला भर में पशुपालकों को चारे की समस्या का निवारण न होने के चलते आने वाले दिनों में चारा का पूर्ति करना भारी पड़ेगा। अनुकला गांव के पशुपालक कर्ण की माने तो कर्फ्यू के चलते पशुओं को चारा और फीड की कमी है, जिसके कारण दूध उत्पादन पहले से बहुत कम हो गया है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाने के लिए पास भी जारी करे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के चलते पंजाब से गाड़ियां नहीं पहुंचने से चारे की समस्या बन रही है। कर्ण ने बताया कि फीड के नहीं आने से अब पशुओं को हरा चारा की भी कमी सताने लगी है। जब से ये कोरोना वायरस का चला हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, तो बाहर से गाड़ियां नहीं आ रही हैं जी, तूड़ी की। तो तूड़ी की बड़ी समस्या है यहाँ पे। अगर बाहर से तूड़ी आ जाए तो अच्छा है, कि पहले बड़ी मुश्किल हो रही थी। हमने चारा भी थोड़ा थोड़ा करके डालते थे पशुओं को, फीड भी पंजाब से आ रही है, तो वो भी अभी आई नहीं। अभी हमें पता नहीं चला कि आ गई है, नहीं तो दुकान वालों का फ़ोन आ जाना था। और फीड की और इसकी तूड़ी हरे चारे की कमी हो रही है हमें बड़ी ज़्यादा। प्रशासन से ये चाहूँगा कि मतलब बाहर से जो मतलब तूड़ी आ रही है तो प्रॉपरली मंगवाएं, जो पास वगैरह है उनके बना देते हैं, तो एक दो अगर मंगवाते हैं यहाँ पे तो पशुओं की जो सूखे चारे की कमी थी ये पूरी हो जानी थी। अगर आप डाइटिंग कम करोगे, फीड कम डाल रहे हैं, तो नेचुरली दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। क्योंकि मेरी पहले एक क्विंटल 25 किलो के करीब थी प्रोडक्शन, अभी 70-80 के करीब पहुंच गई, क्योंकि फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, सूखा चारा नहीं मिल रहा है पशुओं को, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। वहीं ग्रामीण नरेश ने बताया कि कर्फ्यू के कारण पंजाब से फीड और चारा तूड़ी नहीं मिलने से पशुओं को भरपेट चारा नहीं खिलाया जा रहा है, जिसके चलते गौएं कम दूध दे रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तूड़ी चारे की समस्या को जल्द दूर किया जाए। नरेश आपने फसल रखे हैं, क्या समस्या आ रही है? सर, समस्या है कि हमें एक तो गायों के लिए चारा नहीं आ रहा है पीछे से, सूखी तूड़ी, और ऊपर से गायें फीडिंग भी नहीं आ रही है इनकी, प्रॉपर ना फीडिंग हो पा रही है इनको, चारा भी प्रॉपर दिया नहीं जा रहा। तो क्या दूध में भी कमी आ रही है? जो गाय 10 से 12 लीटर दूध देती थी वो 8 लीटर दूध दे रही है। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही निवेदन है हमारा कि उनके पास बनाए जाएं हमारे, और तूड़ी की समस्या हमारी हल की जाए। ग्रामीण महिला सरोज ने बताया कि तूड़ी और फीड की समस्या बनी हुई है, जिससे पशुओं को चारा खिलाने की दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तूड़ी और चारे की समस्या को जल्द हल किया जाए। सर, इसकी आ रही है तूड़ी की और फीड वगैरह की आ रही है समस्या ना, अगर समय समय पर मिलते रहे दोनों चीज़ें तो चल फिर चलता रहेगा हमारा भी थोड़ा बहुत, बहुत मुश्किल। सरकार से यही है कि भाई समय समय पर या फीड वगैरह या घास वगैरह मिलते रहे, तूड़ी वगैरह ना, तो चलो फिर चलता रहेगा, ऐसे बड़ी मुश्किल आ रही है ना। वहीं इस बारे में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार ने माना कि कर्फ्यू के कारण चारा की कमी आई है, क्योंकि अधिकतर चारा और तूड़ी पंजाब से आती है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिला हमीरपुर के लिए 8 के करीब ट्रक ही चारे के पहुंच पाए हैं, और विभाग के पास पशुपालकों की डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है। तक हमारे पास 20 लोगों ने ट्रक के लिए अप्लाई किया हुआ कि वो ला सकते हैं, उनको हमने प्रशासन की मदद से पास इशू कर दिए हुए हैं। और जो मेरे ध्यान में अभी तक आया कि 3 या 4 ट्रक वो डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, मगर हमारा जो बेसिक सिस्टम है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह कि जहाँ से हमको ये पता लगना था कितने ट्रक आ चुके हैं, वो सारे बंद पड़े हुए हैं कर्फ्यू की वजह से। तो कोई जो डाटा हमारे पास आ रहा है, कोई वो डाटा, कोई एक्यूरेट डाटा नहीं आ रहा है कि कितने ट्रक आए या कितने गए। भी पास बनाने के बाद लोगों के साथ कंटेक्ट हैं उनके, भूसे वालों के, वो अपने आप ही वहाँ दे देते हैं और उसके बाद वो दोबारा पास के लिए आते हैं हमारे पास। पहले ये इसमें सरकार बीच में कोई, सरकार का कोई रोल नहीं रहता था बीच में इसमें। फार्मर्स और जो भूसा प्राप्त करते, भूसा प्रोवाइड करते थे, उनका रोल होता था अभी। और जो हमारे पास आती थी डिमांड वो सिर्फ गौशालों को हम भूसा वितरित करते थे, वो भी एक थोड़े से, कोई ज़्यादा नहीं, कोई मतलब 6 या 7 लाख रुपए का भूसा खरीद के 20 या 22 गौशालाएं उनको देते थे जी।